मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ, आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। राजू दास ने महिलाओं से मांगी माफी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने वीडियो जारी कर महिलाओं पर पूर्व में की गई अशोभनीय टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। हालांकि रविवार को जारी एक अन्य वीडियो में राजू दास ने पूर्व के वीडियो को एडिट किया हुआ बताया है। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि जब वे वीडियो को एडिट किया बता रहे हैं तो माफी मांगने की क्या जरूरत थी। कहा कि उन्हें अब कार्यवाही का डर सता रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के मामले में हनुमानगढ़ी के राजू दास का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने भविष्य में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जूते से पीटने जाने की बात कही थी। इसके विरोध में सपा नेता व सपा समर्थित उतर आए थे। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने भी एक बयान जारी कर उन्हें बीमारी से ग्रसित बताया था। सपाइयों ने SSP से शिकायत कर केस दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद एक अन्य वीडियो में राजू दास ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, तो विरोध में सपा महिला सभा ने शनिवार को पुलिस को तहरीर देकर राजू दास के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इधर रविवार को राजू दास बैकफुट पर आ गए। उन्होंने नए वीडियो में मां बहनों से माफी मांगी और विवादित वीडियो को एडिट किया हुआ बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा था, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। सिविल लाइन स्थित एक होटल में रविवार को सपा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष सरोज यादव व महानगर अध्यक्ष अर्पणा जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया कि राजू दास पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि SSP राजकरण नेयर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, साथ ही सोमवार को सुबह मिलने का समय दिया है। उनसे मिलने के बाद अगली रणनीति तय की जाएगी।